और एडवर्ड थर्ड ने उनको फ्रेंच आर्मी से छुड़ाने के लिए रैनसम भी पे किया था जैसा कि हमने जाना कि 1377 में हंड्रेड ईयर वॉर की स्टार्टिंग हुई थी और इसकी वजह थी किंग एडवर्ड थर्ड की मदर जो कि चाहती थी कि उनकी भाई की डेथ के बाद उनका बेटा एडवर्ड फ्रेंच थ्रोन पर क्लेम करे लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ चार्ल्स फोर्थ की डेथ के बाद उनके फर्स्ट कजन को किंग फिलिप सिक्स बना दिया गया जिसके बाद से इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान वॉर्स स्टार्ट हो गई आगे बढ़ते हैं किंग एडवर्ड थर्ड ने इंग्लैंड पर तो रूल किया लेकिन अब नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा क्योंकि किंग एडवर्ड थर्ड के चार बेटे थे फर्स्ट एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस सेकंड जॉन ऑफ कॉन्ट थर्ड यॉर्क एंड फोर्थ ग्लॉस्टर तो सबसे बड़े बेटे एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस इसकी डेथ हो चुकी थी और उनका बेटा था रिचर्ड टू अब बचे तीन बेटे जॉन ऑफ कॉन्ट ये जॉन ऑफ कॉन्ट वही हैं जिनके कहने पर चौसर ने बुक ऑफ टचेस लिखी थी ये तीनों ही प्रिंस बहुत एक्साइटेड थे कि नेक्स्ट किंग किसे चुना जाएगा लेकिन एडवर्ड थर्ड ने इनमें से किसी को भी नहीं चुना और एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस के बेटे रिचर्ड टू को नेक्स्ट किंग बना दिया लेकिन रिचर्ड टू एक अच्छा राजा साबित नहीं हो सका उसने अपने अंकल ग्लॉस्टर की भी डेथ करवा दी थी और जॉन ऑफ कॉन की डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने अंडर कर ली थी जिसकी वजह से जॉन ऑफ कॉन के बेटे ने सभी कोटियर्स को अपनी साइड कर लिया था और नेक्स्ट किंग बन गया था और जॉन ऑफ कॉन के इस बेटे का नाम है किंग हैंनरी फोर हैंनरी फोर के किंग बनने के बाद से स्टार्टिंग हो गई थी लैंकेस्ट्रियन डायनेस्टी की और इसके सही एक साल बाद चौसर की डेथ हो गई थी अगर आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से जानना चाहते हैं तो शेक्सपियर के नॉवल सॉरी ड्रामा भी पढ़ सकते हैं रिचर्ड सेकेंड हैंनरी फोर एंड हैंनरी फाइव हैंनरी फोर के बाद रूल किया हैंनरी फाइव ने क्योंकि हेनरी फाइव भी फ्रांस पर रूल करना चाहते थे और इसकी वजह से एक बैटल हुई थी बैटल ऑफ एजिनकोर्ट जिसमें फ्रांस पर इंग्लैंड की विक्ट्री हुई थी और हेनरी फाइव ने फ्रेंच प्रिंसेस से शादी भी की थी ताकि फ्रांस पर उनका क्लेम और भी मजबूत हो सके तो ये वॉर तो इंग्लैंड जीत गई थी अब नेक्स्ट है हेनरी 5 के बाद हेनरी 6 1453 में चार्ल्स 7 ने फ्रेंच थ्रोन पर अपना क्लेम करते हुए इंग्लैंड पर अटैक किया था जिसमें की जीत हुई थी और ये लास्ट बैटल थी हंड्रेड था अब इंग्लैंड पर रूल कर रहे हैं किंग हैं सिक्स हैंनरी सिक्स एक अच्छे राजा नहीं थे उन्हें हर किसी से ओपिनियन लेने की जरूरत पड़ती थी वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते थे और हैनरी सिक्स की शादी होती है फ्रांस में मार्गरेट ऑफ एंजू से और इस दौरान एक रिबेलियन हुआ था जिसका नाम है रिबेलियन जो किंग हैनरी होल्डर्स हाई टैक्सेस एंड प्राइसेस से परेशान होकर हैनरी सिक्स के खिलाफ खड़े हो गए थे और इस रिबेलियन के हार्ट क्योंकि जैक केट थे इस वजह से इसे केट्स रिबेलियन कहा जाता है वॉर ऑफ द रोजेस की वजह यही रिबेलियन है आप समझते हैं वॉर ऑफ द रोजेस को वॉर ऑफ द रोजेस एक सिविल वॉर है जो कि हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ हेनरी के दरमियान चलेगी हेनरी बिलोंग करते हैं डायनेस्टी से तो इनका सिंबल है रेड रोज और एडमंड यॉर्क जो कि बिलोंग करते हैं हाउस ऑफ यॉर्क से तो इनका सिंबल व्हाइट रोज है हेनरी सिक्स जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं उस टाइम पर एडवाइजर जनरल है हाउस ऑफ यॉर्क के ड्यूक ऑफ यॉर्क जिनका नाम है तो रिचर्ड तो तो और आगे चलकर हैंटलीस की mentally, sickness की वजह से रिचर्ड ने अपना क्लेम इंग्लैंड के थ्रोन पर मजबूती से कर लिया लेकिन हेनरी सिक्स की वाइफ मार्गरेट ऑफ एंजू ने बहुत जद्दोजहद की के पावर और किंगशिप हैनरी सिक्स के पास रहे और उन्होंने एक बैटल में रिचर्ड को मरवा दिया लेकिन हैनरी सिक्स की मेंटल इलनेस की वजह से रिचर्ड के बेटे एडवर्ड फोर को किंगशिप देखनी पड़ी जब हैनरी सिक्स ठीक हुए तो वो वापस एडवर्ड फोर के बाद आ गए लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर से एडवर्ड फोर ने रूल किया इस बार जब एडवर्ड फोर ने रूल किया तो मार्गरेट ऑफ एंजू अपने बेटे के साथ फ्रांस वापस चली गई और हैंनरी सिक्स की कुछ सालों बाद डेथ हो गई एडवर्ड फोर के बाद किंग बने एडवर्ड फाइव जो कि सिर्फ 12 साल के थे और रिचर्ड थर्ड जो कि एडवर्ड फाइव के अंकल हैं वो बने लॉर्ड प्रोटेक्टर लेकिन रिचर्ड थर्ड की नज़र क्राउन पर थी इस वजह से उन्होंने अपने भतीजे को इलेजिटिमेट डिक्लेयर करते हुए थ्रोन पर अपना हक जमाया इलेजिटिमेट इस तरह से क्योंकि एडवर्ड फोर ने उस टाइम एक कॉमन विडो से शादी कर ली थी जबकि उस टाइम कोई भी राजा अपनी रूलिंग एरिया बढ़ाने के लिए वेल्थ एंड आर्मी बढ़ाने के लिए किसी प्रिंसेस से शादी किया करता था लेकिन उन्होंने कॉमन विडो से शादी की थी ये सब तो रिचर्ड थर्ड के बहाने थे इंग्लैंड पर रूल करने के लिए लेकिन इस टाइम वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी फ्रांस से मार्गरेट ऑफ एंजू जो कि अपने बेटे के साथ वापस लौटी थी उनके बेटे हैंनरी ट्यूडर ने इंग्लैंड पर अटैक कर दिया लेकिन इस बार बिल्कुल भी ब्लडेड नहीं हुआ था क्यों क्योंकि हैनरी ट्यूडर ने एडवर्ड फोर की बेटी एलिजाबेथ फर्स्ट से शादी कर ली थी जो बिलोंग करती थी हाउस ऑफ यॉर्क से तो हैनरी ट्यूडर थे हाउस ऑफ लैंकास्टर से इस तरह से वॉर्स ऑफ द रोजेस जो कि एक सिविल वॉर थी इसका एंड हुआ था और स्टार्टिंग हुई थी ट्यूडर डायनेस्टी की गेम्स ऑफ थ्रोन्स जो सीरीज है वो वॉर्स ऑफ द रोजेस पर बेस्ड है के बाद आए Henry VIII. Henry VIII ने मेल हायर पाने के लिए छह शादियां की थीं उनकी फर्स्ट डॉटर का नाम था मैरी एंड सेकंड डॉटर का नाम था एलिजाबेथ और जो थर्ड उनका मेल हायर था उसका नाम था एडवर्ड एडवर्ड उनके बाद राजा बने लेकिन उनकी बहुत जल्द डेथ हो गई थी उसके बाद रूल किया मैरी ने मैरी जो कि कैथोलिक थी और जो भी उस वक्त कैथोलिकिज्म के खिलाफ बोलता था उसको मरवा देती थी और उनके टाइम पर बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ था इसी वजह से उन्हें ब्लडी मैरी भी कहा जाता है उसके बाद जब क्वीन एलिजाबेथ ने रूल किया तो बहुत ही पीसफुल रहा था सब कुछ इसी वजह से इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है चलिए ये तो अब हमने एलिजाबेथ तक के क्वीन किंग्स के बारे में जान लिया अब देखते हैं व्हाट इज रेनेसा रेनेसा का मतलब है इंटेलेक्चुअल रीबर्थ ये जो मिडिल एज का जो पीरियड था ये इतना ज्यादा वॉर्स एंड अटैक से भरा हुआ था कि लोग अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे इस पीरियड को डार्क एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आके लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और रिलीजन के नाम पर पोप्स एंड फादर्स लोगों को अपने कंट्रोल में रखे हुए थे अगर हम खुद को ही ऐसे दौर में इमेजिन करके देखें जहा पे ना इंटरनेट हो ना टीवी हो ना न्यूज़पेपर हो ना बुक्स हो नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी ना हो तो कितना ब्लैंक दिखता है सब कुछ अब रनेसा कैसे आया आप लोगों को क्रूसेड्स याद होंगी जब पूरे यूरोप के क्रूसेडर्स एक साथ इकट्ठा होकर एक जगह से दूसरी जगह गए तो उनके साथ वो अपने साथ मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि एक दूसरे के साथ शेयर की वो एक्सचेंज हुई और उसके बाद उन्होंने एंशंट ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में जाना तो उन्होंने जाना कि टाइम पर ह्यूमैनिज्म यानी वो सबसे ऊपर रखी जाती थी यानी इंसान को की खुद की वैल्यू हुआ करती थी मोर देन एनी रिलीजन तो थोड़ा सा उस टाइम लोगों का दिमाग खुला और उन्होंने फिर एजुकेशन क्लासिकल आर्ट्स लिटरेचर साइंस इस इन सब में, इन सब में अपना बहुत इंटरेस्ट दिखाया उस टाइम पर ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया पेट्रार्च एंड ने, जो कि इटालियन थे क्योंकि सबसे पहले रेनेसा के स्टार्टिंग इटली में हुई थी पूरे वर्ल्ड में रेनेसा की स्टार्टिंग हो चुकी थी लेकिन इंग्लैंड में थोड़ी लेट हुई थी क्योंकि इंग्लैंड खुद ही सिविल वॉर्स और और फ्रांस के साथ उलझा हुआ था इटली के फ्लोरेंस में स्टार्टिंग हुई थी जहा पे बहुत रिच वेल्दी फैमिली र... रहती थी जिनका इंटरेस्ट आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा होता था और वहाँ की एक फैमिली जिनका नाम है मैडिसी फैमिली उन्होंने फ्लोरेंस में साठ साल से ज़्यादा रूल किया था ड्यूरिंग रेनेसा डिस्कवरीज होने स्टार्ट हो गई थी लोग साइंस में तरक्की करने लगे थे और आर्टिस्ट में आपने लियोनार्डो द विंची का नाम तो सुना ही होगा जिनमें सभी टैलेंट थे वो एक इटालियन पेंटर आर्किटेक्ट इन्वेंटर सभी कुछ थे और उनकी द मोनालिसा एंड लास्ट सपर पेंटिंग बहुत फेमस है नेक्स्ट आर्टिस्ट है मिकैल एंजिलो जो कि इटालियन स्कल्पर पेंटर एंड आर्किटेक्ट थे नेक्स्ट है साइंटिस्ट ऑफ रेनेसा सबसे पहले देखेंगे गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप की इन्वेंशन की थी और बताया था कि सैटर्न के अराउंड रिंग्स भी हैं और जुपिटर के भी खुद के मूनस हैं और निकोलस कॉपरिकस ने तो ये भी बता दिया था कि उस टाइम पर लोग सोचते थे कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है लेकिन उस टाइम पर ये कर दिया था निकोलस ने कि अर्थ इज नॉट द सेंटर बट सन इज द सेंटर एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होनी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पर क्रिस्टोफर कोलम्बस एंड अमेरिको वेस्ट पी अमेरिका गए और वास्को जगामा इंडिया आए मतलब लोगों ने समुद्र के रास्ते ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा सा आप रिफॉर्मेशन के बारे में भी जान लेते हैं मार्टिन लूदर जो कि एक जर्मन मॉन्ग थे उन्होंने कैथोलिक के खिलाफ आवाज उठा दी 95 थीसिस वो चर्च के बाहर पेस्ट करके आ गए थे और पोप्स एंड फादर्स से उनके जवाब मांगे थे जो कि बहुत ही हिम्मत का काम था क्योंकि उस टाइम कैथोलिक्स के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता था, था तो उसको सजा होती थी और बहुत ही खतरनाक सजा होती थी इसके बाद क्रिश्चियनिटी की दूसरी फॉर्म निकल कर आई थी प्रोटेस्टेंट्स फर्क बस इतना है इन दोनों में कि प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं वो पोप्स एंड फादर्स को नहीं मानते क्योंकि वो भी एक ह्यूमन से वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करते हैं और पोप्स की पावर उस टाइम पर कम हो गई थी क्योंकि दूसरी तरफ किंग हेनरी 8 जिन्होंने छह शादी की थी जब वो दूसरी शादी करना चाहते थे मेल चाइल्ड वजह से, तब चर्च से उन्हें इजाजत नहीं मिली थी तब हेनरी एक ने लेने की पावर चर्च से खत्म करके किंग को दे दी थी यानी कि अब से किसी भी फैसले में चर्च की कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी कोई भी फैसला किंग खुद कर सकता है तो ये था रिफॉर्मेशन इन क्रिश्चियनिटी चलिए अब उस टाइम के लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं वैसे तो कुछ खास लिटरेचर उस टाइम पर नहीं लिखी गई थी लेकिन जो भी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सबसे पहले हम राइटर का नाम लेते हैं रोजर जिन्होंने एंड स्कूल मास्टर लिखी थी और टॉक्सोफ्लस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये बुक किंग हनरी एट को डेडिकेट की थी अब नेक्स्ट राइटर हैं थॉमस मोर जिनको हम यूटोपिया की वजह से जानते हैं और ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के खिलाफ थे और इन्हें ये बात भी बुरी लगी थी कि किंग हैनरी एट ने चर्च से पावर एंड राइट्स छीन लिए थे तो इसीलिए उन्होंने यूटोपिया लिखी थी जिसकी वजह से उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था अब नेक्स्ट राइटर हैं इरेसमस जिन्होंने बुक लिखी थी प्रेज ऑफ फॉली इन प्रेज ऑफ फॉली लैटिन में लिखा गया था लेकिन बाद में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया था ये एक सटायर है चलिए अब नेक्स्ट राइटर के बारे में देखते हैं विलियम टिंटेल जिन्होंने डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया था एंशंट ग्रीक टेक्स्ट में से जो कि हैब्रू और मतलब हैब्र्यू लैंग्वेज में जो बाइबल लिखी हुई थी एंशियंट टाइम की उसमें से डायरेक्ट देख कर ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में और वो प्रिंट हुई थी क्योंकि उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी कैक्सटन के जरिए सबसे पहले प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ था इटली में गुटनबर्ग के जरिए और फिर ये एक कैक्सटन एक द्वारा इंग्लैंड लाई गई थी प्रिंटिंग पहले क्या होता था कि सिर्फ पोप्स एंड फादर्स ही बाइबल को रीड किया करते थे क्योंकि वो लैटिन लैंग्वेज में होती थी और उस टाइम पर लोग इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते थे लेकिन जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई तो उस वजह से कॉपीज होने लगी लोग पढ़ने लगे तो उन्होंने खुद से बाइबल रीड करना स्टार्ट कर दी और ये बात समझ आ गई कि आखिर में रिलीजन है क्या रिलीजन फादर्स एंड पोप से कहीं ज्यादा है और सिर्फ इंसानों के लिए है इंसानियत के लिए है उस टाइम का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है टोटल्स मिसिलेनी हैंनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सुरे एंड थॉमस वैट का कॉलिब्रेशन है ये बुक टोटल्स मिसिलेनी जिसमें 271 सेवेंटी पोएम है एंड 54 फोर सोनेट्स हैं नेक्स्ट राइटर हैं थॉमस मेलोरे जिन्होंने ली मोर्टी डे आर्थुर लिखी थी उस टाइम के कुछ और भी राइटर्स हैं जैसे अलेक्जेंडर बाकले जॉन स्कैल्टन और उस टाइम की फीमेल राइटर जी हाँ उस टाइम पर फीमेल्स ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया था जैसे कि क्रिस्टिन डी पिजान एंड मार्गरी कैंप क्रिस्टिन डी पिजान ने एक वर्क लिखा था द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज जिसके जरिए वो ये बताना चाहती थी कि फीमेल्स भी मेल के बराबर हैं यानी जेंडर इक्वेलिटी की बात की थी उन्होंने और मार्गरी कैम्प की बुक द बुक ऑफ मार्गरी कैम्प एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखा था तो ये सब था हमारा एज ऑफ रिवाइवल अब छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं इस, इस एज से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट है हंड्रेड ईयर वॉर से रिलेटेड जो कि है फिफ्टी सिक्स बैटल्स हुई थी ड्यूरिंग हंड्रेड ईयर वॉर और नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉयज़ इज़ द फर्स्ट बुक विच वॉज प्रिंटेड बाय विलियम कैक्सन एंड माइथोलॉजी एंड क्लासिकल टेक्स्ट का ट्रेडिशन चला था उस टाइम पर और रिफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा कुछ साइंटिस्ट के बारे में जाना और ये भी जाना कि डिस्कवरीज़ भी होने स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पर और लोगों ने ट्रेड करना भी स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल थैंक यू